तो हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज योर मल्टी ब्लॉग। कैसे है? तो आज वो फाइनली दिन आ गया हमारे राम बिहारी का सर्विसिंग का। तो आज मैं जा रहा हूँ इसे सर्विसिंग कराने, और ये बाइक का कंडीशन कुछ ऐसा है बोकारो से आने के बाद। जैसा कि हम लोग आ रहे थे बोकारो से, तो इतना बारिश कि मैं बता नहीं सकता था। लेकिन अब जा रहे फाइनली सर्विसिंग में। कल मुझे निकलना है जमशेदपुर, वहाँ मुझे ब्लॉग शूट करने जाना है। सोचा उससे पहले सर्विसिंग करा ले। लेकिन अभी तक हमारा जो किलोमीटर 7000 पे बोले थे सर्विसिंग कराने के लिए, लेकिन 7000 पे नहीं बोले कि अगर टाइम आ गया है तो टाइम पे भी आप सर्विसिंग करा सकते हो। तो अभी जा रहे KTM शोरूम और वहाँ देखते हैं क्या इस गाड़ी का, और जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे सारा जा करके बताएंगे कि 100 किलोमीटर चलने पे थोड़ा वाइब्रेशन आने लगता है। तो अभी चलते हैं इससे और देखते हैं। बारिश भी आ रहा है, जल्दी निकलना चाहिए। ओके, तो फाइनली मैं आ गया KTM शोरूम। लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसकी वजह से मुझे थोड़ा जल्दी में आना पड़ा और शॉर्ट गली लेकर के आया हूँ। मतलब मोटर ब्लॉग ही नहीं कर सकता था क्योंकि बारिश हो रहा था, इसकी वजह से अभी आ गए हैं। अब थोड़ा प्रॉब्लम बताएंगे गाड़ी के बारे में। जब भी 100 किलोमीटर पे जाता है अब मिस्त्री आने दो, उसके बाद फिर बातें करते हैं। ये कौन सा है? 390, क्या स्पीड होगा ज़बरदस्त। और इधर ये मेरी KTM कंपनी का बाइक है, उसका देख सकते हैं। इसका कुछ तो यहाँ पे हमारे कुछ सब्सक्राइबर मिले, कैसे जानते हो? अरे आपका कोई नहीं जानेगा। थैंक यू। अच्छा लगा। तो इस बाइक में एक प्रॉब्लम है ना, कि जैसे 100 किलोमीटर जाते हैं ना, 100 किलोमीटर की स्पीड में मतलब 97-96 ऐसे कुछ जाते हैं, तो एक वाइब्रेशन होने लगता है, लगता है कि जबरदस्ती टान रहा है। 100 किलोमीटर के अंदर? हाँ। कितना की स्पीड रहता है? मतलब 96-97 ऐसे खाली रोड में 4 लाइन पे। और तो बस वही प्रॉब्लम, पता नहीं ऐसे काय होता है। कोई बोल्ट नोज यूज हो रहा है, मतलब इंजन से आता है। इंजन, हाँ इंजन से जैसे लग रहा है कोई चीज़ टान रहा है, नट बोल्ट से नहीं है। अच्छा, चला के चेक कर लेंगे। चला के चेक कर लीजिए, कहाँ चलाइएगा अभी? रोड खाली रोड कहाँ मिलेगा, कैसे होगा? तो चेक करना पड़ेगा, चलेगा पता नहीं चलेगा। बॉडी का है नहीं? नहीं बॉडी का नहीं है, इंजन से आता है। कितने गियर में रहता है वो? टॉप गियर में रहता है, 6 गियर में रहता है। 5 गियर में भी, 5 गियर में तो नहीं होता, 6 गियर में रहता है ना, तब होता है। इसलिए कि 100 का स्पीड चलेगा तो समझिए कि 6 ही गियर है इसके वजह से, और कहीं से कोई फॉल्ट नहीं है। बस फॉल्ट वही है कि 100 का स्पीड जहाँ जाता है उसके बाद फिर वाइब्रेशन मतलब इंजन से आने लगता है, लगता है कि यहाँ से चढ़ के एक्सीलेटर पे आ जाएगा ऐसा हो। तो इसका थोड़ा शॉर्ट आउट करिए और देखिए, चला करके ट्रायल करिए या जैसे भी करिए। तो मतलब ये हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो फिर हम कब ले जाएंगे गाड़ी? आज ही हमको चाहिए था, कल जमशेदपुर निकलना था। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी कि यहाँ पे अगल बगल रोड खाली भी नहीं होगा, जो कि भैया चला करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा प्रॉब्लम। तो मुझे जाना जमशेदपुर, तो एक काम करते हैं कल जमशेदपुर से हो करके आ करके आपको कल ही दे देंगे गाड़ी, नहीं तो फिर मंडे को रख देते हैं। तो आज तो हमारा सर्विसिंग नहीं होगा, ऐसे है ना, सर्विसिंग का डेट बचा हुआ है ना, आप ही को करना है। अब आइए तो सही हो जाएगा। चलो ठीक है, तो आते हैं फिर मंडे को, आते हैं डायरेक्ट आपके पास। हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं? तो आज मन किया भैया लोग के पास आने का, घोड़े को तैयार किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं जैसा ये लेके आए थे आसिफ भाई, जो उधर गए हैं, कि चलिए आपको मैं थोड़ा घोड़ा राइड कराता हूँ। तो ये भी घोड़े को पूरा तैयार किया जा रहा है, इसमें कैसे सीट बेल्ट लगाया जा रहा है देख सकते हैं। ये कमाल का हमारा पहली बार एक्सपीरियंस होने जा रहा है, पता नहीं कैसा होगा, देखते हैं। यहाँ सारा सामान रखा हुआ है घोड़े के लिए, जैसा देख सकते हैं। हंटर भी है, ये हंटर भी मारते हैं आप लोग? अच्छा, अभी पूरी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे घोड़ा रेडी हो गया है और इस पर अभी सवारी किया जाएगा। अरे काफी कमाल, काफी यंग और जवान घोड़ा है ये तो। कब से पाल रहे इसको? ये मेरे पास तो आया 2-2.5 महीना हो रहा है। 2-2.5 महीना, ये सारा इंतजाम आप ही अपने से किए ना, ये सारा चीज? हाँ, ये सब अपना
उतना ही इंतजाम है, और छोटा वाला भाई था तो वही देखता था। तो घोड़ा यहाँ रेडी है और फिर हम लोग बैठने के लिए भी रेडी है। आज पहली बार शायद बैठने जाऊँगा, एक बार बैठा था ऐसे ही कहीं पे, लेकिन इस बार थोड़ा सोच रहा हूँ चला करके देख लूँ कैसा रहेगा इस बात का। बहुत मुश्किल है अभी संभालना इसे, जब तक भैया नहीं रहेंगे तब तक चलेगा नहीं, और चलेगा तो समझो कि भागने ही लगा। मुश्किल है हम आई थैंक थैंक जंप ले मुश्किल है आगे साहब, बहुत मुश्किल है, इतना जंप कर रहा है ना, पहले कभी नहीं बैठे ऐसे। आज भाई अब तरफ राउंड मार का है। नहीं 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 हो गया। ओ भाई मजा आ गया, लेकिन पहली बार बैठा हूँ ऐसे, और कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। मुझे लगता नहीं है कि नया आदमी कोई कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि यंग एकदम जवान घोड़ा है कि ना आसिफ भाई जी। अच्छा अभी भैया देखिए कैसे कंट्रोल करते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे किसका नंबर बैठने का। कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है इसको। एक्चुअली जितना इजीली दिखता है ना वो होता नहीं है। तो कैसा लग रहा है आपको घोड़ सवार? आसिफ भाई सोच समझ के नहीं, अभी नहीं मार रहा यार। मारा है क्या? बहुत खतरनाक चला यार, थोड़ा सा आपको हाँ उस दिन से हम थोड़ा डर गए चलाने। कैसा लगा? दौड़ा है बहुत अच्छा दौड़ा है, लेकिन भैया आगे तो इसके वजह से वो हुआ थी ना। हम रोके हम ना। कैसे रोके आप?